हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं साउंड का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो साउंड वेव्स हैं वो तीन टाइप की होती है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड और ऑडिबल साउंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड किस तरह से हमारे कानों तक पहुँचती है, हमारे जो ईयर हैं वो किस तरह से काम करते हैं, नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिटेक्शन ऑफ साउंड। हम साउंड को कैसे पहचानते हैं, कैसे हमारे ईयर जो है वो साउंड को ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, सेंसेशन फील होता है, किस तरह से ये काम करता है। ह्यूमन एंड एनिमल्स हैव अ वेरी सेंसिटिव डिटेक्टर ऑफ साउंड द ईयर। तो साउंड को सुनने का काम कौन करते हैं, ईयर करते हैं। The cross section of human ear is almost similar to that of other vertebrates. The ear, which is the peripheral auditory system, is divided into three parts. हमारा जो ear है उसको तीन parts में divide किया गया है। जो first है outer ear, second inner ear और third है middle ear. ठीक है, तो outer ear में आता है ear canal. ठीक है, canal क्या होती है, जो अंदर की नली होती है, पाइप जैसी जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं कैनाल। तो फर्स्ट आउटर ईयर में कौन सी आएगी, ईयर कैनाल। इनर जो ईयर है, कान के जो अंदर का पार्ट है, उसमें कॉकुलर सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे मिडल ईयर के बारे में, जिसमें हम स्टेपीज, इनकस, मेलस और ईयर ड्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आउटर ईयर, द आउटर ईयर कॉल्ड द पिना। आउटर ईयर को क्या कहा जाता है, पिना। जो हमें दिखाई देता है, कान का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं पिना। कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड कंसंट्रेट्स देम इनटू ईयर कैनाल टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ये क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और जो ईयर कैनाल है उस तक पहुंचाता है। दिस कैनाल ट्रांसमिट्स द साउंड वेव्स टू द ईयर ड्रम्स। और ये जो ईयर कैनाल है वो ट्रांसमिट कर देती है साउंड को, कहाँ पहुंचा देती है, ईयर ड्रम के पास। ठीक है, कान में एक ईयर ड्रम होता है जिसके पास ये इसको पहुंचा देती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द ईयर ड्रम फ्रॉम शॉक एंड इंट्रसन बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। और जो ईयर कैनाल है वो ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करके रखती है, ताकि कोई ऑब्जेक्ट कान के, ईयर ड्रम क्या होता है, जो कान का पर्दा होता है उसको बोलते हैं, ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इसका एक और काम क्या हो गया, ये प्रोटेक्ट करके भी रखती है ईयर ड्रम को और ये साउंड को ट्रांसमिट भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट है मिडल ईयर। एयर वाइब्रेशन सेट द ईयर ड्रम मेम्ब्रेन इन मोशन विच इन टर्न कॉजेज द थ्री लिटल बोन्स हैमर एनविल एंड स्ट्रिप टू मूव। दीज थ्री लिटल बोन्स कन्वर्ट द स्मॉल एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस ऑफ द ईयर ड्रम इन टू लार्जर एम्पलीट्यूड ऑक्सीलेशंस एंड ट्रांसफर दैम टू द इनर अर्थ थ्रू द ओवल विंडो। तो मिडल जो ईयर है उसमें तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, हैमर, एनविल और स्ट्रिप। इनके द्वारा क्या होता है, जैसे ही ईयर ड्रम की जो मेम्ब्रेन होती है उससे साउंड अंदर आती है तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है। उसके कारण क्या होती है, जो तीन बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल और स्ट्रिप, वो मूव करती है। और इनके मूव करने से क्या होगा, जो स्मॉल एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो लार्जर एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट होगा और फिर जो वो साउंड है वो जाएगी ओवल विंडो में। बिहाइंड द ओवल विंडो इज अ स्नेल शेप्ड लिक्विड फील्ड ऑर्गन कॉल्ड कॉकलिया। ठीक है, ये जो ओवल विंडो होती है उसके पीछे की तरफ स्नेल शेप्ड में लिक्विड सा भरा होता है, एक ऑर्गन होता है जिसको नाम देते हैं कॉकलिया। और ये क्या होता है, ऑडिटरी नर्वस आर कनेक्टेड। यहाँ पर क्या होती है, जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से। द लार्जर एम्पलीट्यूड ऑक्सीलेशंस क्रिएट ट्रेवलिंग वेव्स दैट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंपल्सेस सेंट टू द ब्रेन थ्रू द ऑडिटरी नर्व्स।
और यहाँ से क्या होती है, जो एम्पलीट्यूड ऑक्सिलेशंस हैं वो ट्रेवल करते हैं, मतलब वेव्स ट्रेवल करती है और ये हमारे ब्रेन तक पहुँचती है नर्व्स के थ्रू। द ब्रेन रिलेटेड द इंटरप्ट्स द साउंड हियर टू दूस प्रीवियसली एक्सपीरियंस। और ब्रेन जो है उसको रिलेट करता है कि क्या ये साउंड पहले सुनी हुई है और उसको पहचानने में हेल्प करता है कि ये साउंड किसकी है। अब है हियरिंग डैमेज, ये तो बात हो गई ईयर की कि ईयर किस तरह से काम करता है। अब है हियरिंग डैमेज कि हमारे जो ईयर हैं उनको क्या क्या चीज़ें डैमेज कर सकती है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट है नॉइज विथ एन इंटेंसिटी लेवल अबाउ 120 डेसिबल इज कंसिडर्ड एज एन अनडिजायरेबल पॉल्यूटेंट इन आवर एनवायरमेंट। हमारे कानों की सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 to 20,000 हर्ट्स होती है, मतलब हमारी जो साउंड हम सुन सकते हैं वो 20 to 20,000 फ्रिक्वेंसी की होती है। अगर 120 डेसिबल से ज़्यादा जा रही है इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी 120 डेसिबल से ज़्यादा आती है तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती है। और ये कंसिडर किया गया है कि 120 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड अनडिज़ायरेबल पॉल्यूटेंट्स होती हैं, मतलब ये नॉइस पॉल्यूशन का काम करती है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू लाउड साउंड्स। लाउड साउंड्स की जो इंटेंसिटी होती है वो होती है 80 डेसिबल्स और इससे अधिक फॉर अ लॉन्ग पीरियड कैन कॉजेस टेम्परी हियरिंग लॉस। अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड साउंड सुनते हो, लाउड म्यूजिक सुनते हो जिनकी इंटेंसिटी 80 डेसिबल तक या इससे ज़्यादा है, तो अगर आप इनका ज़्यादा यूज़ करते हो काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक, तो ये आपके कानों को टेम्पररी डैमेज कर सकते हैं और आप अपने सुनने की जो कैपेसिटी है उसको खो भी सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर एक्सपोजर टू एम्पलीफाइड रॉक म्यूजिक एंड नॉइज प्रोड्यूसेस बाय मशीनरीज इन फैक्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैज़ बीन मोस्टली द कोज ऑफ हियरिंग डैमेज। जैसे जो लोग ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, रॉक म्यूज़िक सुनते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे 80 डेसिबल से हमने बताया कि 80 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड हो जाती है तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचा देती है। तो अगर बहुत ज़्यादा साउंड ज़्यादा होगी, उसकी पिच ज़्यादा होगी या उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे मशीन फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें जो मशीनों की आवाज़ होती है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो साउंड आती है फैक्ट्रीज से, वो क्या करती है हमारे कानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है आवर ह्यूमन ईयर एज अ बिल्ट इन मस्कुलर कंट्रोल इन द मिडल ईयर। आपको पता है कि हमारा जो कान है वो एक मस्कुलर ऑर्गन भी है, क्यों, क्योंकि इसमें मसल्स भी होती हैं और इसका जो मिडल ईयर है वो मस्कुलर है जो कंट्रोल करता है साउंड को कि हमारी साउंड किस तरह से वेव्स आ रही है, किस तरह से वो ट्रांसमिट हो रही है। दिस लिमिट द पोटेंशियल डैमेज टू द ईयर कॉज बाय सस्टेंड लाउड साउंड। जब आप लाउड साउंड सुनते हो तो वो इस मिडल ईयर को नुकसान पहुंचाती है। बट आवर ईयर कैन नॉट रिएक्ट रैपिडली टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट सडन बर्स्ट ऑफ शॉर्ट बट वेरी लाउड साउंड्स लाइक गन शॉट और बॉम्ब एक्सप्लोजन। जैसे मतलब बहुत सारी ऐसी साउंड होती हैं जो अचानक आ जाती है तो उनसे इतना नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन जब आप कंटिन्यू तेज़ आवाज़ों को सुनने लग जाते हैं तो वो आपके कानों को नुकसान पहुंचाती है। जैसे गन शॉट की आवाज़ है या बॉम्ब एक्सप्लोजन की आवाज़ है तो उनसे भी हमारे कान को नुकसान पहुँचता है और काफ़ी टाइम तक ये डैमेज चलता रहता है। If the sound produced is too loud, it can force an ear mechanism to go beyond the elastic limit. In this case, the hearing damage becomes permanent. अगर sound जो है वो बहुत ही ज़्यादा loud produce हो रही है तो वो क्या करेगी, जो ear है उस पर force लगाएगी, ठीक है, और ear जो है वो अपनी elastic limit मतलब अपनी जो capacity है सुनने की वो खो देगा और इसको permanent damage कहते हैं। मतलब हमारे जो कान हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड अगर म्यूज़िक सुन लेंगे या कोई बहुत ज़्यादा लाउड साउंड सुन लेंगे तो परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं। परमानेंट हियरिंग लॉस में आल्सो बी कॉज्ड बाय फिजिकल डैमेज टू ईयर ड्यू टू डिजीज ड्रग्स विद द साइड इफेक्ट्स और द नेचुरल एग्जिन प्रोसेस। परमानेंट हियरिंग लॉस कई तरीके से हो सकता है, जैसे कोई डिजीज़ हो जाए या कोई ड्रग्स वगैरह लेता हो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, ड्रग्स मतलब है मेडिसिंस वगैरह है उनका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो उससे भी परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है।
इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर ड्यू टू अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस कैन रिजल्ट टू हियरिंग डैमेज। और किस तरह से डैमेज हो जाता है, अगर आप उसको अनहाइजेनिक तरीके से रखते हो, मतलब कान को जब आप गंदा रखते हो तो उसको भी क्या होगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। हियरिंग डैमेज कैन ऑल्सो अक्योर्स टू ए फैटस इफ़ द प्रेगनेंट मदर सफर्ड फ्रॉम मीजल्स और रूबेला विद इन द फर्स्ट ट्रिमिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और कब हो जाता है, जैसे कोई प्रेगनेंट लेडी है उसको मीजल्स या फिर रूबेला हो गया, ये डिजीज़ का नाम है मीजल्स और रूबेला, तो अगर ये हो जाती है तो उसका जो फिटस है, मतलब उसके पेट में जो अनबॉर्न बेबी है, उसको भी हियरिंग डैमेज हो सकता है, मतलब उसके भी जो ईयर है वो ख़राब हो सकते हैं। रूबेला कैन कॉजेज मेलफॉर्मेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फिटस इनर ईयर। रूबेला वायरस जो है वो फिटस, मतलब है अनबॉर्न बेबी जो प्रेग्नेंट लेडी के यूटेरस में होता है, तो उससे क्या होगा, जो इनर ईयर है ये उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ड्रग्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन हैव बीन फाउंड टू कॉज परमानेंट हियरिंग लॉस टू स्मॉल चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो स्ट्रेप्टोमाइसिन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उनमें भी परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। रेंजिंग इन द ईयर्स वाइल द चाइल्ड इज अंडर मेडिकेशन इज अ सिम्टम्स ऑफ सच हियरिंग डैमेज। बिकॉज ऑफ दिस द यूज ऑफ दिस ड्रग हैज़ बीन केयरफुली कंट्रोल्ड। इसलिए इस जो मेडिसिन को कंट्रोल सेक्शन में रखा गया है, इनको डॉक्टर की परमिशन से ही दिया जाता है। अ पर्सन में ऑल्सो परमानेंटली लॉस हिज और हर सेंस ऑफ हियरिंग ड्यू टू नॉर्मल एजिंग ऑफ द ऑडिटरी सिस्टम। वी परसीव साउंड एज नॉइज और म्यूजिक। अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज एंड प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक। यहाँ पे एक सिंपल सा डिफरेंस है म्यूजिक और नॉइज के बीच में। म्यूजिक किसको बोलोगे, प्लीजेंट साउंड को, मतलब जो हमारे कानों को अच्छी लग रही हो, और जो अनप्लीजेंट साउंड है, जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लग रही है, चुभ रही है या दर्द हो रहा है, उसको हम बोलोगे नॉइज। डोंट सफर इट। नॉइजी नेबर्स, बार्किंग डॉग्स, नॉइज फ्रॉम पब्स एंड क्लब्स, कंस्ट्रक्शन नॉइज, इन सबको आपको अवॉइड करना है ताकि आपका जो ऑडिबल सिस्टम है वो सही रहे। नॉइज इज द अनवांटेड साउंड दैट कैन ग्रेटली अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ इफ कंटिन्यूअली एक्सपोज टू इट। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन हेडेक, स्लीप डेप्रिवेशन एंड स्ट्रेस अमंग अदर्स। अगर आप नॉइज, बहुत ज़्यादा नॉइज़ में रह रहे हो या बहुत ज़्यादा अनवांटेड साउंड्स को सुन रहे हो, लाउड साउंड को सुन रहे हो, तो आपके कानों को डैमेज होने के साथ साथ आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, जैसे हमेशा सिर दर्द रहना, स्ट्रेस में रहना, चिड़चिड़े हो जाना, ये भी नॉइज़ पॉल्यूश के कारण ही होती है। एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट टॉलरेंस थ्रेशोल्ड व्हेन इट कम्स टू नॉइज, बट इट इज़ अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट कम्प्लीट साइलेंस। There are many types of noise that we can easily avoid or reduce. बहुत सारे ऐसे types होते हैं noise को जो हमें avoid करने चाहिए या फिर उनको कम करना चाहिए। Home entertainments, equipments and loud music. जैसे speaker में आप गाने चलाते हो या loud music सुनते हो, earphone का बहुत ज़्यादा use करते हो, तो इससे भी आपके कानों को नुकसान पहुँचता है। जो हमें अवॉइड, अगर हम नहीं करें उस चीज़ को, पूरी तरह से हम अवॉइड नहीं करते, तो हमें कम से कम उसको यूज़ जो है उसका कम करना चाहिए। पार्टीज़, नॉइज़ फ्रॉम द नेबर्स, नॉइजी एनिमल्स या बार्किंग डॉग्स, डू इट योरसेल्फ वर्क एंड डोमेस्टिक एप्लीकेंसेस, कार एंड हाउस अलार्म्स, नॉइज़ फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड यूनिट्स इन शॉप्स, वेंटिलेटर फैंस, लोकल पब्स एंड इंटरटेनमेंट्स। ये सब क्या है, ये नॉइज़ पोल्यूशन के कारण है, इनको हमें या तो अवॉइड करना चाहिए या फिर इनको कम करना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक, आपका जो साउंड का टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है। ये चार वीडियो आप अच्छे से देखना, आपको साउंड के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।